नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग RGSC में हैं, ये BHU का पार्ट है और इसको एफिलेटेड कभी कभी बोल देते हैं, आप बातों में बोल सकते हो, लेकिन इसको पार्ट बोला गया है। बेसिकली ऑफिशियल इसका जो एक वर्ड है वो पार्ट है, BHU का पार्ट है ये। और ये पड़ता है कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी, लेकिन मिर्ज़ापुर फेमस होना चाहिए। बेसिकली यहाँ माँ विंध्यवासिनी का ये पूरा एक विंध्य श्रेणी पे बेसिकली बसा हुआ ये विश्वविद्यालय भी है और यहाँ पे बहुत ही होनहार छात्र खड़े हैं। और मुझे लग रहा है पर्सनैलिटी से तो आप लोग कुछ और ही कोर्स समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है। हाँ देख रहे हो सब कितने खतरनाक, सब जिम वूम जाते हो मुझे लग रहा है। हाँ इसे यहाँ पे मेंटेन कर पाओगे ना? ये देख रहे हो पूरे के पूरे कितने बढ़िया फिटनेस बना के रखे हुए हैं सब। तो ये लोग हैं GDPI, ये लोग हैं GDPI ग्रुप वाले। GDPI ग्रुप थोड़ा ट्रेंडिंग हो जाता है क्योंकि बेसिकली इतने सालों में पहली बार GDPI वीडियो भी गया। हाँ। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि GDPI का वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। ये GDPI के वीडियो काफी हेल्पफुल रहा हम लोगों के लिए और इसकी वजह से हम लोगों को काफी कुछ पता चला, इनसाइट पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं, करंट रहता है क्वेश्चन का और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स क्या क्या होते हैं और टीचर्स जो आपका प्रोफेशनल कोर्स होता है उसके बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे पूछते हैं ये सब लोग। बेसिकली हम जल्दी सब नाम पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजांशु गंगवार है। कहाँ से? और मैं फरुखाबाद से हूँ। आप कहाँ से हो? मेरा नाम पीयूष गुजर है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से। मेरा नाम हेम रुद्र सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। मायसेल्फ वेदांत अग्रवाल, आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड। मेरा नाम विवेक मंडल है और मैं नेपाल से हूँ। तो RGSC भाई दूर दूर तक यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, ना ही कैंटीन है, ना ही कोई ब्रांडेड शॉप है, ना रेस्टोरेंट है, ना क्लब है, ना बार, कुछ नहीं है। मैक्सिमम ये पूरा का पूरा एक नेचर में बसा हुआ विश्वविद्यालय। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, वहाँ की वो वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, मतलब मेट्रो, मतलब मैं समझ गया वहाँ पे बहुत ही कार्बन था या जीरो कार्बन है। हाँ, यहाँ पर नेचर दिख रहा है, यहाँ पे नेचर दिख रहा है पूरा। ये कौन सा बैच है पता है? ये कौन सा बैच है? 19th बैच है। 19th बैच। बेसिकली बैच का नाम क्या है? MBA। MBA AB। MBA AB एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस। इसकी फीस कितनी है? वन ईयर का 1 लाख। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर प्रफुल। 1,03,000 फीस। 1,03,000। क्या लगता है ये कोर्स आप यहाँ पे करने के बाद क्या अप्रोच कर पाओगे? सर आई एम गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट इन देयर कैंपस और मुझे लगता है इसके बाद मुझे माय शॉर्ट टर्म गोल इज टेकिंग प्लेसमेंट एंड द लॉन्ग टर्म गोल आई एम टेकिंग एज अ बिजनेसमैन, एज अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर। बट एक्चुअली व्हाट इज द सिक्योर, व्हाट इज द सिक्योरिटी? There is a lot of security. We are getting the few placements like 100% placement like was there. Okay. Current feeling after admission in RGSC? Current. Right now I'm feeling very good because this is my first central university and hostel facility that I'm living there. So yeah, I have a good feeling there. मुझे जहाँ तक लगता है almost बच्चे यहाँ के hostel facility से खुश हैं, hostel facility से। ठीक है, आप बताइए कैसा, आप RGSC के लिए क्या कहना चाहोगे? सर बेसिकली ये नेचर में बसा हुआ है तो आप इसको अगर फैसिलिटीज़ के तौर पे या फिर ये जो ट्रांसपोर्ट ईज है उसके तौर पर नहीं देखें और अगर नेचर के तौर पे देखें तो ठीक है। अच्छा अभी कितने दिन हो गए आए आपको? कितने दिन हो गए? 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन। आपको क्या लग रहा है, आपके सीनियर्स भी मिले होंगे? जी हमारे सीनियर्स भी मिले और उन लोगों ने हमें बहुत चीज़ सिखाया कि अगर MBA में आके कैसे अपना पर्सनालिटी मेंटेन करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सब कुछ हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया है। सो वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम फॉर टीचिंग अस दोज पर्सन। ओके, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच मिल रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है। ओके भाई जी, आप बताइए कि बेसिकली आपने इस कोर्स को क्यों लिया, आपके पास और भी ऑप्शंस रहे होंगे? I have several options. I have also get CUT from Ranchi University, but this place is the zero carbon and actually there are very cheap and based the course and also hostel facility we but get not cheap this course, actually fees is very high. No sir, fees is not high, but I am belongs to FTAD and 1 year. Okay. 1 year fees is 80,000 and this is the best ROI for me and also for 7,500 we paid for annually for hostel. This is the not anyone India provide hostels and like facilities. Okay. And also Rajiv sir and the course advisor and the student advisor, they also for us very cooperative.
वेरी कोऑपरेटिव एंड द वेरी हम्बल नेचर फॉर अस एंड दे प्रमोट फॉर अस की हाउ टू गो एंड हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू लर्न and they are the many facilities are provided this orientation course 6 days for about familiar about courses and campuses and this environment of Mahamana culture. So finally they all are very happy in this campus and today is what's going on in campus orientation class so wo bahut acha chal raha hai bahut aap kya kehna chahoge basically main aapse janna chahunga kyunki ye video ho sakta hai kai saalon tak log dekhe okay okay to aap mujhe batao ki aapne taiyari ke liye kya kiya ye to general paper mein aate hai ha ha ki iska particular core ka subjects hai nahi general basically maine yahan par CUET mein CUQP 12 diya tha jisse mere ko yahan par admission mila hai to wahan par aap thoda sa acha score kijiye kitna score tha aapka mera 200 21 मार्क्स थे आई थिंक आपने तो बहुत अच्छा स्कोर किया था फिर जीडी अच्छा ही गया हां अच्छा गया था ओके तो उसके बाद आप थोड़ा सा जीडी पे में परफॉर्म कर दीजिए तो बेसिकली आप जैसा भाई 1 लाख के ऊपर पैसा दे के आ रहे हो आप दिल्ली के रहने वाले हो तो मतलब प्रोफेशनलिज्म तो आपको समझ में आती होगी कोर्सेज भी समझ में आती होगी प्लेसमेंट करियर भी समझ में आता हो सो क्यों आप फिर आरजीएससी चूज कर रहे हैं आरजीएससी इज वेल रिनाउंड नेम एक्चुअली मैंने अपना यूजी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है देन आफ्टर मैंने सोचा कि मैंने ऑलरेडी कहीं और एडमिशन ले लिया था बट ये थोड़ा सा ज्यादा रिनाउंड और ज्यादा अच्छी जगह है आरवाई इज आल्सो गुड देखो बेसिकली क्या है ना मैं किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं करना चाहता लास्ट टाइम मैंने एफएमसी का वीवॉक का प्रमोशन कर दिया आज तक वो वीडियो अब वहां पे देखो कितना खलबल ही हो गया वीवॉक का देखा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को ये बातें पलट जाए तो थोड़ा दूर तक सोच के बोलो कि ये कोर्स सच में क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं समझ रहे हो ना तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप वो बातें एक्चुअली बता दो मतलब कि मतलब आपको प्रमोट नहीं करना है आपको सपोर्ट नहीं करना है प्लेसमेंट माय शिवम अग्रवाल हर सीनियर्स आल्सो एक्स ऑफ 23 दे गेट 70,000 पर मंथ फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स After this MBAG course, देखिए yeah, big companies are coming like EY, Deloitte, इस टाइप से काफी सारी companies आ रही हैं college में visit और placement 100% ही है यहाँ का confirmed. This is true. मतलब कहीं ना कहीं 100% अगर मैं नहीं बोलूं 80-70% भी है 90% वाह मतलब कहीं ना कहीं मैं इतना देखो मैं इतना फोर्स करके बोल रहा हूँ कि नहीं प्रमोट नहीं करना है लेकिन फिर भी इनका कहना है कि 100% स्टूडेंट से ज्यादा आते हैं कंपनी ज्यादा आती है स्टूडेंट्स का मतलब और कितने स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट बैच कितने की है 67 और बच्चे कितने प्रेजेंट हैं अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 कह रहा हूँ 50 दोस्त आप बताइए बेसिकली प्रिपरेशन हो गया जीडीपी थ्योरी हो गया जीडीपीआई आपने दे दिया काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपके लिए कैसा रहा काउंसलिंग का ऑनलाइन ही होता है जैसे जीडीपीआई वगैरह हो गया उसके बाद लिस्ट आती है तो सब वेरिफिकेशन वगैरह सब ऑनलाइन होता है फीस वगैरह सब ऑनलाइन जमा होती है फिर यहाँ पे आके फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है बाकी तो सब ऑनलाइन हो जाता है ठीक है आप बताइए कुछ सर काउंसलिंग का इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है सब ऑनलाइन होता है और काफ़ी इजी रहता है बट जैसे लोगों ने टाइम खींचा था वो हम लोगों के लिए काफ़ी हेक्टिक रह गया था सर टाइम खींच देता कौन भी जो है बेसिकली बहुत टाइम खींच लिया हम लोग जानना चाहेंगे आरजीएससी के हॉस्टल्स के बारे में यहाँ के हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं और आपके कोर्स के लिए कि पूरे बच्चों को हॉस्टल्स मिल जाते हैं यहाँ पे इसमें एक भी लड़की नहीं है तो क्या पूरे आपके कोर्स में गर्ल्स नहीं है नहीं है अच्छा अभी प्रोग्राम वो लोग कर रहे हैं तो क्या आप उनको उनके लिए कुछ बातें बोलना चाहो लाइक उनकी तरफ से वो क्या सेफ है यहाँ पे अच्छा 6:30 बजे गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाता है अच्छा वो सेफ्टी का पैमाना है तो यहाँ पे थोड़ी दूर में लगा वो तो यहाँ पे कमेंट अच्छा गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए फुल हॉस्टल फैसिलिटीज है हाँ यहाँ पे 100% हॉस्टल फैसिलिटी बेसिकली एडमिशन होती है यहाँ पे इंडिया की तो इंडिया वाले को यहाँ मिलता है और इंटरनेशनल वालों के लिए मेन कैंपस में भी फैसिलिटी दी जाती है तो मेन इंटरनेशनल वाले नेपाल के भी यही है वो तो नेपाल के लिए नहीं सर गर्ल्स के लिए बेसिकली अच्छा नहीं नहीं सर अगर आरजीएससी है तो यहाँ पर कॉमन हॉस्टल है इंटरनेशनल और नेशनल के लिए अच्छा और जो मेन कैंपस है उसमें इंटरनेशनल के लिए अलग हॉस्टल दिया गया कैंपस का तो मैं वीडियो कवर कर लूंगा मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे सबके लिए फुल्ली हॉस्टल अकोमोडेशन है तो आप लोग की क्लास में क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं आप तो नेपाल के हो मान लो तो अपना ही देश लगता है यार और नेपाल के मैक्सिमम नेपाल मतलब अपने पड़ोसी देश मैक्सिमम है हमारा कोर्स में बस नेपाल के है पर आ सकते हैं
अच्छा आ सकते हैं पर इस बार अभी श्रीलंका। अच्छा चलो एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, बताओ मुझे BHU या RGSC क्या चूज करोगे? RGSC। ये तो वही बात हो गई, कल सेम है, ये तो वही बात सेम है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं वीडियोस तो शूट कर लेता हूँ, फिर वो वीडियो समय के साथ लगते हैं कि कुछ गलतियां हो गई उसमें। यहाँ पे क्राउड काफी शांत माहौल है और अच्छा, काफी अच्छा, काफी पीसफुल। अच्छा आपने आपको कैसे सेटिस्फाई कर पा रहे हो इतने सारे जो एक तरह से मॉडर्न हमारी रिक्वायरमेंट होती है आजकल, जैसे भाई बनारस तो समझ रहे हो कितना रिच सिटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है लिटरली, मैं बाहर घूम के आया तो कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, वो मंत्र दो ना। एक्चुअली में कुछ दिन ना बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से चल के जाओ 1 किलोमीटर तब कुछ खाने को मिलेगा, या कुछ फोटो कॉपी भी कराना हो तो उसके लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, पर धीरे धीरे आदत लग जाती है। एक्चुअली में अगर हम लोग चले भी ना तो वो भी एक पॉजिटिव ही है फिटनेस के लिए, वो भी अच्छा, कोई बीमार भी नहीं पड़ा। वैसे मैंने बाकी कोर्सेज का जब टॉक लिया है तो मुझे एक बात समझ में आया कि जो यहाँ पढ़ाई करने के बाद उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें यहाँ के बच्चे ज्यादा अच्छा क्वालिफाई कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही लेस डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट है, कुछ भी बहुत ही इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो मुझे लग रहा है बच्चे कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं पढ़ाई पे। BHU में क्या है कि हमारे पास घूमने के बहुत सारे प्लेस हो जाते हैं, अब हमारे पास VT है, हमारे पास हमारा घाट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो मुझे लग रहा है पूरा कैंप कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें ना चाहते हुए डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं हमें, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे ना होने की वजह से आप लोग बेसिकली आपके पूरे 24 घंटे की रूटीन में वो 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब आप वो 3-4 काम जो करते हो पूरे दिन भर में। अरे जैसे आप हंस क्यों रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे स्कूल बिल्डिंग हुआ, लाइब्रेरी हुआ, फिर लाइब्रेरी, हाँ तो वो स्पोर्ट्स में चले गए, जिम तो हमारा नहीं, पहला क्या है, फर्स्ट तो LT 10 बजे से आ जाते हैं। अच्छा ये लोग क्लासरूम LT लेक्चर थिएटर आ जाते हो, फिर आ जाते हैं, फिर उसके बाद लाइब्रेरी 4 से, फिर ये लोग लाइब्रेरी जाते हैं, उसके बाद आउटर क्लब चले जाते हो, जाते हो क्लब जिम। अच्छा फिर सुबह एकदम 6 बजे से रहता है टाइम। अच्छा जिम जाते हो, सब जिम जाते हो, सब जिम भी जाते हो? जिम ही जा रहे हैं अभी, जो हम लोग जिम ही जा रहे हैं क्या, वो लाइब्रेरी वगैरह वो पासबुक वगैरह इनरोलमेंट हुआ नहीं है, लाइब्रेरी वो पासबुक बनेगा उसके बाद वहाँ पे ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो अभी थोड़ा बड़ी बहुत सारी बड़ी ही आइडियल बातें हो गई, मतलब मुझे लगा कुछ कमियां निकल के आएंगी, बहुत ही डिस्कनेक्टेड है बाहर के एनवायरनमेंट, बहुत डिसकनेक्टेड है ना। एक्चुअली मैं एडवांटेज भी है और कमी भी, जाते जाते देखो मैं वीडियो बोरिंग नहीं करना चाहता, मेरे लिए सर मैं एक बात रखना चाहता हूं, देखो वही होता है ना, जिसको मिला किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। अभी दिल्ली से आए हैं, अब भाई दिल्ली में तो मतलब वहां तो एयर प्योरीफायर लगा हुआ है पब्लिक जगहों पे, तो ये अब उनके लिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ी मात्रा मिल रही है, आप लंबी सांसें ले पाओगे, आपकी आयु बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो मुहावरा है सुखनार्थी त्याजते विद्या, विद्यार्थी त्याजते सुखनम, और ये RGSC में सर सूट बेस्ट करता है। हाँ बेसिकली ये चीजें इनको सूट कर रही है। अच्छा लास्ट सभी को सूट कर रहा है, ये बात मैं बताना चाह रहा था कि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, तो मैं 7 साल बचपन में हॉस्टल में चला गया, तो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव तो बहुत सारी चीजें हैं कि मैं बहुत सारे मल्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ, मैं स्पोर्ट्स में भी हूँ, योगा में भी हूँ, ड्राइंग में भी हूँ, बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज में भी हूँ, एकेडमिक्स भी अच्छा है, लेकिन डिसएडवांटेज के तौर पर अगर मुझे देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं पर्सनल लेवल पर सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे हैं, कभी कभी लगता है कि यार वो बहुत समय के बाद मैं सीखा, आफ्टर कोविड मुझे समझ में आया कि नहीं ये चीजें मैं कहीं ना कहीं जोड़ पा रहा हूँ सोसाइटी से, तो वो लेकिन वो एक समय 7 साल का था और मैं उसमें टीन एज का ग्रोथ है, इस एज में तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली टोटली एक रियलाइजेशन प्लेस है एकेडमिक्स के साथ साथ, हमारी पढ़ाई के साथ साथ एक हमारे लिए एक खुद को समझने और जानने का समय है। वैसे लास्ट में यही है कि बहुत क्रूशियल टाइम है, मुझे लग रहा है अब एंड ऑफ टाइमिंग में बस प्लेसमेंट लेना है, फिर अपना घर परिवार बसाना है, शादियाँ वादियाँ कर ही लोगे, तो अब बस मतलब एंडिंग टाइम पे हम लोग हैं, तो बहुत सारी गुड विशेज हैं, आप लोग का स्वागत है महामना के मेन बगिया में, आप लोग कभी जरूर आइएगा, एंजॉय करिएगा और बाकी चैनल्स देखते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे।